बैक टू अवर चैनल नोएडा की गलियों में आपका स्वागत है। अगर साउथ इंडियन के अंदर इटालियन का तड़का आप ढूंढ रहे हैं तो बिल्कुल टाइम ज़ाया ना कीजिए, सेक्टर 12 में आ जाइए सीधा साउथ इंडियन कॉर्नर पे, जहाँ की आपको कहने को तो यहाँ आपको डोसा मिलेंगे, लेकिन डोसा के अंदर जो वेराइटीज़ आपको मिलने वाली हैं एकदम ही डिफरेंट होने वाली है। चलिए आके बिना टाइम ज़ाया करें यहाँ के जो पिज़्ज़ा वाले भैया हैं, जो डोसा वाले भैया हैं, उनसे बात करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए, इनके डोसा की मैंने इतनी तारीफ कर ही दी है, तो चलिए फाइनली हम भी एक डोसा मंगवा ही लेते हैं और भैया से बात करते हैं आखिर कैसे वो अपने इन डोसा इसको बनाते हैं और उनका जो स्पेशल डोसा यहाँ पे उनका कौन सा है। नहीं, ये डाल दिया कैप्सिकम। तो देखिए भैया यहाँ मेकिंग भी बता रहे हैं कि कैप्सिकम ऐड किए हैं, अनियन ऐड किए हैं, उसके बाद इन्होंने टमाटोज, ये पनीर। तो ये मेरा बनने वाला है पिज्ज़ा डोसा और सारे वेजीज ऐड कर दिए हैं इन्होंने इसके अंदर, और ये साथ के साथ अपने जो मसाला डोसा बना रहे हैं भैया इधर, और उधर उसके स्टफिंग तैयार हो रही है। ये स्टफिंग ही होने वाली है ना पिज्ज़ा डोसा की? हाँ जी मैडम। ये देख सकते हैं पाउडर है मैडम, ये इन्होंने यहाँ इसमें कुछ पाउडर, गन पाउडर मिक्स किया है जो कि साउथ इंडियन डिश में बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और यहाँ भैया बटर है मैडम, ये बटर ऐड कर रहे हैं भैया इसके अंदर। खुशबू भी जो है एकदम ज़बरदस्त आ रही है, यानी कि सो एक्साइटेड कि कब मेरा फटाफट से डोसा रेडी होगा और मैं इसको टेस्ट करूँगी। कंप्लीट, अब हम डोसे का बेस डालेंगे भैया। ओके, आपका एक प्लेट डाल दे, प्लेट प्लेट चलो मैं डाल दूँगा भैया। ये देख सकते हैं कि जैसे नॉर्मल डोसा का जो बेस होता है वो थोड़ा हैवी होता है, यहाँ इन्होंने इसको शेप भी एक पिज़्ज़ा जैसी दे दी है कि थोड़ा हैवी एंड बल्की, और उसके ऊपर खूब सारा जो है वो बटर ऐड कर दिया है। और आप देख सकते हो कि यहाँ जो खाना बन रहा है वो भी बहुत हाइजीन के साथ बन रहा है, ऐसा नहीं है कि बहुत गंदगी है, सब चीज़ें एकदम नीट एंड क्लीन तरीके से रखी हुई हैं, और प्योर वेजिटेरियन स्टॉल है, यहाँ पर सब कुछ वेजिटेरियन ही मिलेगा, और बहुत हाइजीन के साथ ही अपना खाना बना रहे हैं आप देख सकते हो। ये मैडम जी चटनी है, ये हम घर पे ही बनाते हैं, ये शेजवान चटनी आप घर में बनाते हैं, ये घर में बनी हुई चटनी इसमें ऐड कर रहे हैं, कोई मार्केट का ऐड नहीं है। चटनी के जाने के साथ ही बहुत टेस्टी सा स्मेल आना शुरू हो गया है, आई एम ईगर टू ईट दिस। आप देख सकते हैं कि ये पूरा इन्होंने एकदम लग ही नहीं रहा है कि ये डोसा है, पूरा पिज़्ज़ा का एकदम स्टफिंग तैयार करके रख दिया है। और ये इसके ऊपर ऐसे वेजीज लोड हो गए हैं सब। ये देखिए, इसकी तो बिल्कुल लग ही नहीं रहा है कहीं से कि ये डोसा हो, अब जिस तरीके से इसको स्प्रेड किया जा रहा है ये सच में एक पिज़्ज़ा का अपना भेष लेता हुआ जा रहा है, ये पूरा मतलब लग ही नहीं रहा है कहीं से इसको देख के कोई कहेगा कि ये डोसा है, पूरा इसको पिज़्ज़ा का इन्होंने हुलिया दे दिया है। तो यानी कह सकते हैं साउथ इंडियन में इटालियन का तड़का। अब डालेंगे मैडम जी मोज़रेला चीज़। हाँ, अब इसके अंदर जैसे कि पिज़्ज़ा डोसा पिज़्ज़ा के अंदर चीज़ का एक अलग ही टेस्ट होता है, तो उसके अंदर मोज़रेला चीज़ इन्होंने ऐड कर दिया है, यानी सिर्फ नाम के लिए ही होगा ये डोसा, बट टेस्ट पूरा पिज़्ज़ा का आने वाला है। और आप देख सकते हैं कैसे इतना टेस्ट, दिखने में इतना टेस्टी लग रहा है। साउथ इंडियन स्टोर्स हैं डोसा के, लेकिन वो सारी भीड़ वहाँ ना जाके सिर्फ यहाँ एक आती है कि आप जब भी आओ। हाँ, ये देखिए कि अब भैया इसके अंदर पनीर ऐड कर रहे हैं इस डोसा के अंदर, और भैया इस डोसा की कॉस्टिंग क्या रहेगी, कितने का होगा ये डोसा? 130 रुपये। सिर्फ 130 का डोसा, और ये कहिए कि पिज़्ज़ा कम डोसा, यानी कि साउथ इंडियन का भी टेस्ट आपको मिल जाएगा और इटालियन का टेस्ट भी मिल जाएगा, यानी एक पंत दो काज, दोनों एक साथ होंगे। और ये इन्होंने इसके साथ ओरिगैनो ऐड कर दिया है। बस।
और ये आ चुका है हमारा पिज़्ज़ा डोसा, जिसके साथ इन्होंने हमें दिया टमाटो चटनी, और ये यहाँ पे है कोकोनट चटनी, और ये आ चुका है हमारा सांभर। या देख सकते हैं कितनी सारी चीज़ है और बहुत गर्म है ये, फिर भी खाते हैं। इट्स लाइक मतलब इससे ज़्यादा टेस्टी मैंने आज तक डोसा नहीं खाया हुआ, और इससे ज़्यादा टेस्टी मैंने पिज़्ज़ा भी कभी नहीं खाया हुआ। बहुत ही अमेर, सब कुछ बहुत फ्रेश है, बहुत ज़्यादा टेस्टी। मतलब भाई आप जहाँ भी हो, नोएडा आओ, तो ये डोसा खाना बिल्कुल मत छोड़िए। देखिए नीचे से आप इसको देखेंगे, ये पूरा डोसा एकदम डोसा वाला इनका ऐसा, और ऊपर से कोई से देख ले तो कह नहीं सकता कि ये डोसा है, क्योंकि ये प्रॉपर पिज़्ज़ा है। वाओ इट्स टू यम्मी, मतलब एक साथ मुझे दो दो टेस्ट मिल रहे हैं। अगर साउथ इंडियन के अंदर इटालियन का तड़का आप ढूंढ रहे हैं, तो बिल्कुल टाइम ज़ाया ना कीजिए, सेक्टर 12 में आ जाइए, सीधा साउथ इंडियन कॉर्नर पे।